भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में उत्तर वाहिनी गंगा घाट के जाह्नवी गंगा महाआरती सभा के द्वारा बनारस के तर्ज पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने गंगा घाट पहुंचकर गंगा महाआरती करते हुए मां गंगा की आराधना करते हुए सुख शांति की कामना की। इस दौरान जाह्नवी गंगा महाआरती सभा के अध्यक्ष संजीव झा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष गंगा दशहरा पर अजगैबीनाथ के उत्तर वाहिनी गंगा घाट एवं ध्वजा गली के में स्थापित मां गंगा प्रतिमा में बनारस के तर्ज पर स्थानीय पंडित कृष्णा मिश्रा, अंकित मिश्रा, गुलशन झा के द्वारा बनारस के तर्ज पर संध्या गंगा महाआरती का आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस नेता विनय शर्मा, अनुषा, अनंत मिश्रा, नवीन झा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और भक्तजन मौजूद थे। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर के सुल्तानगंज से संतोष कुमार की रिपोर्ट। स्नान करने से तीन तरह के तापों का नाश होता है, दैहिक, दैविक, वाचिक। जो पाप है 10 तरह के पापों का नाश आज के स्नान से होता है और गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर प्राणी मात्र के उद्धार के लिए भगवत द्वारा लाई गई है और यह जाह्नू नगरी, यहाँ भगवत द्वारा लाई गई गंगा को महर्षि जाह्नू ने संपूर्ण पान कर लिए और पुनः भगवान शंकर के द्वारा अनुरोध पर उन्होंने अपने जंघा को चीर कर गंगा को पुनः प्रवाहित किया और यहाँ से गंगा जाह्नवी के रूप में, जाह्नू की पुत्री जाह्नवी के नाम से जानी जाती है। क्या कार्यक्रम हुआ सर आज? आज सुबह माँ गंगा की षोड़शोपचार विधि से पूजन की गई और संध्या समय महाआरती का आयोजन किया गया और गंगा प्रतिमा हमारे ध्वजा गली में करीब 100 वर्ष से वहाँ प्रतिमा का आयोजन इस दिन किया जाता है, प्रतिमा बैठाई जाती है और वहाँ जो है प्राण प्रतिष्ठा सुबह में किया गया और उसके बाद 501 कन्याओं को भोजन कराया गया आरती विधिवत और संध्या समय अभी जो है महाआरती का कार्यक्रम है, उसके बाद प्रसाद वितरण करके कल जो है पुनः हवन और कलश विसर्जन का कार्यक्रम।